नमस्कार शिक्षार्थियों एन आई के स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हम भारतीय दर्शन कोड संख्या तीन पुस्तक दो के अध्याय सत्रह जिसका नाम है अवस्था त्रय विवेक पर चर्चा करने जा रहे हैं हमने अभी तक जाना कि वेदांत शब्द का क्या अर्थ है उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है अद्वैत शब्द का क्या अर्थ है परमात्मा और जीवात्मा के तीन रूप कौन कौन से हैं और आत्मा की जो तीन अवस्थाएं अथवा चार अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? हमने जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय अवस्था का अध्ययन किया साथ ही यह जाना था कि परमात्मा जो है वो सुषुप्ति अवस्था में ईश्वर कहा जाता है स्वप्न की अवस्था में हिरण्य गर्भ कहा जाता है और जागृत अवस्था में वही विराट कहलाता है जीवात्मा सुषुप्ति की अवस्था में प्राज्ञ कहलाता है और वही जीवात्मा स्वप्न की अवस्था में तेजस कहलाता है और वही जीवात्मा जागृत अवस्था में जीव कहलाता है अथवा उसको विश्व अथवा वैश्वानर कहते हैं अब हम जानने जा रहे हैं त्रिविध शरीर कौन कौन से हैं अद्वैत वेदांत में तीन प्रकार के शरीर कौन कौन से बताए गए हैं साथ ही हमने जो अभी चारों अवस्थाओं का ज्ञान किया था उन अवस्थाओं में हमको क्या करना चाहिए हमारा क्या उद्देश्य है हम उसको किस रूप में आगे समझ सकते हैं इसको हम कहते हैं अवस्था त्रय विवेक तीन प्रकार के शरीर कहे गए हैं शरीर जो है वो भोगायतन है भोगायतन का मतलब होता है कि यह शरीर भोग का आधार है भोग हम किससे करते हैं शरीर के माध्यम से हम भोग करते हैं यह स्थूल शरीर हमको भोग के लिए ही मिला है और यह जो शरीर है यह अद्वैत वेदांत में तीन प्रकार का कहा गया है एक है स्थूल शरीर एक है सूक्ष्म शरीर और एक है कारण शरीर तो हम सबसे पहले स्थूल शरीर पर चर्चा करते हैं स्थूल शरीर क्या है अभी जो हम आप हमें देख रहे हैं या हम आपको देख रहे हैं यह हमारा भौतिक शरीर जो है यह स्थूल शरीर ही कहलाता है विवेक चूड़ामणि में स्वयं भगवान आचार्य शंकर ने कहा है तम त्वच मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्ति संकुल पूर्णमूत्रपुरुषाभ्याम स्थूलम निन्यम वपुहु। अर्थात त्वचा मांस रक्त अर्थात खून स्नायु अर्थात नसें, मेदा मेद अर्थात चर्बी या मांस मज्जा और हड्डियों का जो यह समूह है तथा मल और मूत्र से भरा हुआ यह स्थूल देह कहलाता है पूर्ण मूत्रपुरुषाभ्याम स्थूल यह स्थूल शरीर कहलाता है जो कैसा है निंदम इदम बपू क्योंकि यह अन्य देहों की अपेक्षा निकृष्ट है इसलिए यह निंदनीय है अर्थात हमारा जो अस्थि मांस रुधिर इत्यादि से यह जो शरीर दिखाई देता है हम इसको कहते हैं स्थूल शरीर यह शरीर आत्मा का स्थूल भोगायतन अर्थात भोग का घर है इसकी अवस्था जागृत है अर्थात जागृत अवस्था में ही हम स्थूल शरीर से वस्तुओं का स्थूल विषयों का भोग करते हैं इस अवस्था में ही स्थूल पदार्थों का अनुभव किया जाता है अतः जागृत अवस्था में स्थूल देह की प्रधानता है स्थूल देह का अभिमान्य जीव विश्व पुरुष कहलाता है अब यह स्थूल शरीर जो है यह कैसे पैदा होता है पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश जो है उसका जो पंच महाभूत है उससे यह स्थूल शरीर पैदा होता है सूक्ष्म शरीर जो है किसी कहते हैं सूक्ष्म शरीर वागादि पंच श्रवणादिपंच पन्च, पंच अभ्र मुखा पंच है बुद्ध्याद्य कर्मणि परयुष्टकम सूक्ष्म शरीर माहो अर्थात वाणी आदि पांच इंद्र पांच कर्मेन्द्रिया कौन कौन सी है वाक पाणी पाद पायु और उपस्थ वाक मतलब वाणी पाद मतलब पैर, वाक पाणी पाद पाणी मतलब हाथ पायु मतलब गुदा और उपस्थ मतलब जननेन्द्रिय

प्राण वायु पांच प्रकार की वायु पांच प्रकार की वायु कौन कौन से प्राण अपान व्यान उदान और समान ये पांच प्रकार, तो प्रकार की वायु तो पांच प्रकार की पांच प्रकार की कर्मेंद्रियाँ और पांच प्रकार की वायु तथा बुद्धि और मन ये अंतःकरण के दो तत्व वैसे तो अंतःकरण चार प्रकार का होता है पर बुद्धि और मन में चित्त और अहंकार का आविर्भाव कर लिया जाता है तो पंद्रह और दो सत्रह है ये जो सत्रह है अवयव हैं सप्तश तो अवयव जो हैं ये सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं तो जो हमारा मांस का यह जो पिंड है इस मांस के पिंड में एक यंत्र काम करता है वह यंत्र सूक्ष्म शरीर है और उस सूक्ष्म शरीर में पांच ज्ञानेन्द्रियाँ पांच कर्मेंद्रियाँ पंच वायु तथा बुद्धि और मन यह मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाता है और इसी सूक्ष्म शरीर को परयुष्टक कहा जाता है जो अपंजीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है अपंजीकृत भूत किसे कहते हैं देखिए पंचीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक महाभूत में अन्य महाभूतों का अंश मिलकर के महाभूत बनते हैं जैसे आकाश महाभूत है तो आकाश महाभूत में केवल आकाश का ही अंश नहीं है आकाश में पृथ्वी जल तेज और वायु का भी अंश है इनके वन बाई एट वन बाई एट वन बाई एट जो पार्ट हैं तथा वन बाई टू पार्ट जो आकाश का है उससे मिलकर आकाश बना है इसको हम कहते हैं पंचीकरण तो अपंजीकृत भूतों से जो है ना वो सूक्ष्म शरीर बनता है और यह वासना युक्त होने से कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है अर्थात सूक्ष्म शरीर का अनुभव हमें कब होता है स्वप्नावस्था में जागृत अवस्था में हमको किसका अनुभव होता है स्थूल शरीर का स्थूल शरीर के माध्यम से वह स्थूल विषयों का अनुभव करता है और स्वप्नावस्था में वह सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सूक्ष्म विषयों का उपभोग करता है वहां पर सूक्ष्म शरीर एक सृष्टि करता है सूक्ष्म शरीर रथ बनाता है सूक्ष्म शरीर आपको राजा बनाता है सूक्ष्म शरीर आपको कार प्रदान करता है सूक्ष्म शरीर वो सब कुछ बनाता है जो जागृत अवस्था में तो सूक्ष्म शरीर का अनुभव हमको स्वप्न अवस्था में होता है यह है सत्रह अवयवों वाला है अब होता है कारण शरीर अव्यक्त में त्रिगुणे निरुक्तम तत्कारणम सुसुप्तिरेत नाम शरीर आत्मन है प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धिवृत्ति ही विभक्त अवस्था विवेक चूड़ामणि विवेक चूड़ामणि में कहा गया है कि अव्यक्त अज्ञान और माया इसके तीन गुण हैं अव्यक्त में त्रिगुणेर निरुक्तम इसके तीन गुण हैं कौन कौन से गुण हैं एक है रजोगुण रजोगुण विक्षेप शक्ति का प्रतीक है यह है क्रिया स्वरूप होता है इसी से समस्त क्रियाएं होती हैं और इसी से मानसिक विकार सुख दुख आदि उत्पन्न होते हैं तमोगुण जो है वो आवरण शक्ति का प्रतीक है और इससे पुरुष जो है जन्म रूप संसार का कारण यही तमोगुण होता है इससे अज्ञान आलस्य जड़ता निद्रा आदि इससे उत्पन्न होते हैं सत्वगुण दो प्रकार का होता है एक होता है मिश्र सत्वगुण और एक होता है विशुद्ध सत्वगुण

तीन प्रकार के शरीर कहे गए एक जो शरीर है वो स्थूल शरीर है जिसमें अस्थि मांस मेद रुधिर इत्यादि जो है वो रहते हैं यह है मल मूत्रों से भरा हुआ हमारा जो यह शरीर है इस शरीर के माध्यम से हम जागृत अवस्था में समस्त स्थूल विषयों का भोग करते हैं जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं तब जिन विषयों का हम स्थूल जगत में भोग करते हैं उसी का हम सूक्ष्म रूप में भोग करते हैं जागने पर हमको पता लगता है वह स्वप्न था तो वहाँ हम सूक्ष्म शरीर के माध्यम से भोग करते हैं अर्थात मन आपके लिए सृष्टि करता है मन आपके लिए भवन बनाता है मन आपके लिए वाहन बनाता है मन वहां पर आपके लिए अनेक प्रकार के पति पत्नी इत्यादि की उत्पत्ति करता है तो वहां पर आप सूक्ष्म शरीर के माध्यम से उसका भोग करते हैं एक होता है कारण शरीर कारण शरीर का मतलब है कि ये सब जो चीजें स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जो है वो जिसके कारण बना है वो है अज्ञान माया अविद्या तो माया का जो शरीर है जिसमें सत्व रजस और तमस है वो जो शरीर है उसको हम कहते हैं कारण शरीर और गहन निद्रा में जब हम निद्रा की अवस्था में होते हैं तब हम उसके आनंद का भोग करते हैं वहां पर आनंद का भोग होता है तो एक हो गया स्थूल शरीर स्थूल शरीर के अंदर निहित है सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर के अंदर निहित है कारण शरीर ये तीन स्तर हो गए तो जो कारण शरीर है वो जो है उसका जो अनुभव है वह निद्रावस्था में होता है अब हम चर्चा करते हैं अवस्था त्रय विवेक पर अर्थात हमने यह देखा कि आत्मा की तीन अवस्थाएं और उन तीनों अवस्थाओं में जीवात्मा और परमात्मा के तीन तीन रूप होते हैं तो जागृत अवस्था में जो जीव है वो कहलाता है विश्व और जो ईश्वर है वो कहलाता है विराट यहां होता है स्थूल शरीर स्वप्न अवस्था में जो जीवात्मा है वो तेजस कहलाता है और जो ईश्वर है ईश्वर कहलाता है वो कहलाता है ब्रह्मा या हिरण्य गर्भ और यहां होता है सूक्ष्म शरीर सुषुप्ति की अवस्था जो है आत्मा की उसमें जीवात्मा कहलाता है प्राग्ञ और ईश्वर कहलाता है और यह ईश्वर की प्रलय अवस्था है और इसमें कारण शरीर होता है अर्थात माया होती है समय तो ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ये मनुष्य का उद्देश्य नहीं है क्यों उद्देश्य नहीं है क्योंकि इन तीनों अवस्थाओं में मनुष्य किसी न किसी चीज में का भोग कर रहा है जीवात्मा किसी न किसी चीज का भोग कर रहा है जागृत अवस्था में जो जीवात्मा है वो स्थूल शरीर से उसका स्थूल विषयों का भोग कर रहा है स्वप्नावस्था में जो जीवात्मा है वह अंतकरण के माध्यम से मन बुद्धि चित्त और अहंकार के माध्यम से सूक्ष्म विषयों का उपभोग करके तेजस कहला रहा है निद्रा की अवस्था में सुषुप्ति की अवस्था में वही जीवात्मा आनंद का भोग कर रहा है पर अब आप यहां प्रश्न करेंगे कि आनंद ही तो जीवन का उद्देश्य है तो जीवात्मा को निद्रा की अवस्था में रहना चाहिए वही जीवन का लक्ष्य है वह जीवन का लक्ष्य नहीं है क्योंकि जो सुषुप्ति की अवस्था है उसमें कदाचित कभी आनंद का भोग होता है कभी नहीं होता और हमको उसका ज्ञान जागने पर नहीं होता हम जागने के बाद यही कहते हैं मैं सुखपूर्वक सोया उस आनंद का वो बखान नहीं कर सकता साथ ही जागने के बाद वो आनंद जो उपलब्ध हो रहा था वो समाप्त हो गया जबकि हमको ऐसा आनंद प्राप्त करना है जो निरंतर रूप से चिरंतन रूप से हमारे पास उपलब्ध हो और वो हमको कब उपलब्ध होता है जब जो चौथी अवस्था है तुरीय वो हमको प्राप्त होती है यह जो तुरीय है यह चतुर्शब्द और छह प्रत्यय से बनी है जिसका अर्थ है चतुर्नाम पूर्ण तुरी है तुरीय है अर्थात जो चौथी अवस्था है उसको हम कहते हैं तुरीय शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनयंत अर्थात जो उसको जो अवस्था है चौथी अवस्था उसी को हम कहते हैं तुरीय सुसुप्ति का अभिमानी प्राग्ञ अथवा ईश्वर स्वप्न का अभिमानी तेजस अथवा हिरण्यगर्भ और जागरण का अभिमानी विश्व वेश्वानर इन तीनों की अपेक्षा अनुपहित चैतन्य को चतुर्थ कहा गया है अर्थात ऐसा चैतन्य जो न तो ईश्वर है ना ही हिरण्य है ना ही वेश्वानर है ना ही वह प्राज्ञ है ना ही वह तेजस है और ना ही वह विश्व है वह इन सब चीजों से पृथक एकदम शुद्ध चैतन्य है और वही इन सबका आधार है वही सभी का लक्ष्य है प्राज्ञ तेजस और विश्व संज्ञा वाले चैतन्य चेतना की अवस्था का न तो कोई गुण है न ही कोई रूप है वह है निर्गुण और निराकार है इसमें न जागृति है न स्वप्न है न सुषुप्ति यह निर्विचार और अतीत तथा भविष्य की कल्पना से पूर्ण जागृति है कहने का आशय यह है कि जो तुरी की अवस्था है वहाँ न करता है न कार्य है न भोगता है न भोग्य है न ज्ञाता है न ज्ञेय है ये जो द्वैत है ये द्वैत तीनों अवस्थाओं में है जो जागृत अवस्था है उसमें भी द्वैत है वहाँ पर जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं ज्ञाता हूँ और मेरे सामने कोई चीज है जो गे है मैं भोगता हूँ वह भोग्य है जब मैं स्वप्न अवस्था में चला जाता हूँ तब मैं जागृत अवस्था में उस जीवात्मा के रूप में भोग नहीं करता मैं अंदर तेजस के रूप में अंतकरण के रूप में उन सूक्ष्म विषयों का भोग करता हूँ जागने पर पता लगता है कि वह चीज मिथ्या है उसी प्रकार कारण शरीर में भी आप वहाँ ज्ञाता गेय है वहाँ पर कर्ता कार्य है वहां पर आप आनंद का भोग करते हैं परंतु तो वह जो आनंद है वह समय में हमेशा रहने वाला नहीं है वह जब आप जागोगे तो वह आनंद टूट जाएगा जबकि हमारा उद्देश्य ऐसे आनंद की प्राप्ति है जो हमेशा हमको उपलब्ध हो तो वह आनंद हमको तुरी अवस्था में प्राप्त हो सकता है क्योंकि वह निर्गुण और निराकार है वहाँ कोई रूप नहीं है वह निश्चैतन्य है वहाँ पर केवल आनंद ही आनंद है वहाँ पर न करता है न कार्य है न ज्ञाता है न गेय है न भुगता है न भुग्य वह कैसा है शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यंत है वह शांत है शिव है अर्थात कल्याण प्रदान करने वाली है स आत्मा सविज्ञ है वही आत्मा है वही जानने योग्य है आशा करता हूँ कि अवस्थात्रय के माध्यम से तिविध कारणों के माध्यम से परमात्मा और जीवात्मा के तीन रूपों के माध्यम से आपको इस पाठ का उद्देश्य प्राप्त हुआ होगा इन सब चीज़ों का आपको बोध हुआ होगा इसी आशा के साथ नमस्कार